स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है नदैनिक पोषण और आहार की नोट्स है इसका। आज हम इसके इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर। सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्लाइड जो हमारा है वो कहता है भोजन क्या है। प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते ही हैं, तो ये हमारे जीवन में एक प्रकार का भोजन होता है। तो देखिए भोजन क्या है, वे सभी ठोस खाना जो होता है, खाना पीना, वो ठोस भी होता है और तरल भी होता है। वो सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है, मनुष्य भोजन के रूप में सेवन करता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा, अपने पचाने की क्षमता द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग में लेता है, भोजन कहलाता है। किसी न किसी प्रकार के भोजन को अपने जीवन में करते हैं और उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, उससे हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है, आंख, पैर, नाक, दांत, पेट, पीठ, गला, वो सभी कार्य करता है। ये सब किस कारण से हो पाता है, भोजन के कारण से होता है। क्योंकि हम भोजन अगर नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के ये सब विभिन्न जो अंग है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ये क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। अब हम पोषण के बारे में जानते हैं। पोषण एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, एक जानकारी है जिसमें शरीर द्वारा खाद्य पदार्थ हो, जो शरीर हमारा खाना लेता है भोजन के रूप में जो अंदर जाता है, पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों के पाचन, अवशोषण तथा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। जो भी भोजन हम करते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो शरीर में किस प्रकार से पचता है, किस प्रकार से उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, किस प्रकार का चीज उससे एब्जॉर्ब होता है, ये सभी क्या कहलाता है, इस सब का अध्ययन जो है, इस सब की जो जानकारी है, इसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इसका संबंध जो है वो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक पहलुओं से भी है। इसका जो रिलेशन है वो सामाजिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, आर्थिक भी है, आर्थिक पहलुओं से भी इसका रिलेशन है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अपर्याप्त पोषण का नुकसान। अपर्याप्त पोषण का नुकसान, जो पोषण की कमी होती है शरीर के अंदर वो रोग क्षमता में कमी करती है। अपर्याप्त पोषण का नुकसान क्या है, रोग क्षमता में कमी का कारण, घाव भरने में देरी। आपके शरीर में कोई भी अगर नुकसान हो जाता है, घाव हो जाता है, कट जाता है, बीमार पड़ जाते हो या किसी तरह की बीमारी हो जाती है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसका क्या काम मतलब है कि आपके शरीर में पोषण की कमी है, नुकसान हो रहा है पोषण का। अतिरिक्त जटिलताओं के शिकार, कई प्रकार की अन्य बीमारियां भी आपके शरीर में कभी कभी हो जाती है। बहुत लंबे समय तक खांसी का होना, बहुत लंबे समय तक पेट दर्द, सर दर्द, हाथ पांव दर्द, फूल जाना हाथ पैर, आंख से कम दिखना, आंखों के अगल बगल में सूजन हो जाना, ये सब क्या है, अपर्याप्त पोषण के कारण ही होता है। अंगों का सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई, सही तरीके से आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, उंगलियां काम नहीं करेगी, आप गले को घुमा नहीं पाओगे, तो ये सभी जो कारण है वो शरीर के अंदर पोषण के कमी के कारण ही होता है। उचित पोषण का महत्व समझते हैं कि उचित पोषण का महत्व क्या है। देखिये संक्रमण से रोध क्षमता और सुरक्षा देना, किसी भी प्रकार के बीमारी में आपका शरीर अगर स्वस्थ है, आप यदि सही मात्रा में पोषण को लेते हो, आपका शरीर उचित मात्रा में पोषण को ग्रहण करता है, तो आप जल्दी बीमार नहीं हो। आपको यदि सर्दी खांसी जुकाम होता भी है तो आप वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ठीक होने में मदद, कई प्रकार की अलग अलग बीमारियां होती है जिससे आपको ठीक होने में मदद प्राप्त होता है। असाध्य बीमारियों से निपटने में सहायता, कभी कभी बहुत ऐसी बीमारियां होती है जो जल्दी ठीक नहीं होती है, उनको ठीक करने में भी पोषण जो है वो आपकी मदद करता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। नैदानिक पोषण क्या है, नैदानिक पोषण के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए नैदानिक पोषण का वह विशिष्ट क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जो बीमारी के दौरान पोषण से संबंधित है। ऐसी बीमारी जो पोषण के कारण ही हो जाता है, जो सही तरीके से आपके खान पान नहीं करने के कारण होता है, आजकल इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार कहते हैं, जिसे नदैनिक पोषण भी कहा जाता है। ऐसा खान पान बहुत जगहों पे देखा होगा आपने, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनको सही मात्रा में खान पान नहीं मिलता, उनको खाने में दाल नहीं दिया जाता, दलिया नहीं दिया जाता, पौष्टिक तत्व नहीं दिया जाता, हरी सब्जियां नहीं दी जाती, तो ऐसे में क्या होता है कि वो ना कुपोषण के शिकार होते हैं। तो देखिए पोषण का वह विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के दौरान पोषण से संबंधित है, पोषण के कारण ही यदि कोई बीमारी उत्पन्न होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नदैनिक पोषण के नाम से जानते हैं।
नैदानिक पोषण का महत्व तो जान लेते हैं। बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। किसी भी प्रकार के रोग को कम करने में, बीमारी को खत्म करने में या आपको मदद करता है। बीमार मरीजों को पोषण प्रबंधन, इसलिए बीमार मरीजों को ऐसे चीजें दी जाती है जैसे कि दलिया दिया जाता है, दूध दिया जाता है, अंडे दिए जाते हैं, कभी कभी कुछ बीमारियों में मांस मछली भी दिया जाता है, पनीर दिया जाता है, जिससे उनके शरीर के अंदर जो कमी हो रही है वो पूरा हो जाए। बीमारियों में उचित पोषण मिलता है। यही बातें हैं कि अगर आप बीमार हैं तो आपको उसी टाइप के अच्छे खान पान आपको दिए जाते हैं। तो ये नैदानिक पोषण का महत्व है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आहार की क्या है, यह एक विज्ञान है। यह भी एक प्रकार की जानकारी है कि कैसे भोजन तथा पोषण मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आहार की के माध्यम से ही यह जानकारी प्राप्त होती है कि पोषण के माध्यम से किस प्रकार इंसानों के जीवन प्रभावित होते हैं, पोषण मानव के स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसे क्या कहते हैं, आहार की कहते हैं। पोषण तथा स्वास्थ्यता का संबंध, पोषण से और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो पोषण की स्थिति तथा सहायता किसी बीमारी से पहले या दौरान, उस समय में या उस समय से पहले या बाद में, फिर उसके बाद उसे जानने एवं उपचार करने के लिए अहम भूमिका निभाती है। क्या होता है कि जब पोषण की स्थिति या सहायता किसी बीमारी से पहले या उसके दौरान या फिर उसके बाद में उसे जानने में, उस बीमारी को समझने में और जानने में मदद करता है। आइए हम जानते हैं नैदानिक पोषण और आहारकी का महत्व, कि जीवन में आहारकी का क्या महत्व है और नैदानिक पोषण का क्या महत्व है। देखिए, प्रमाणित बीमारी वाले मरीज के पोषण प्रबंधन पर ध्यान देता है। जो प्रमाणित बीमारी वाले मरीज होते हैं, जिन्हें यह पता चल जाता है कि हाँ इन्हें यह बीमारी है, तो उनके पोषण प्रबंधन पर, उनके खान पान पर, उनके खान पान के तरीकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ चिकित्सीय आहार बताकर बीमारी के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ जो होते हैं, जो पोषण के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, उनके वैज्ञानिक होते हैं, उनके बारे में ज्ञान होता है उनको, वो क्या करते हैं, चिकित्सीय आहार बताकर बताते हैं कि इसे खाने से आपकी तबीयत सही हो जाएगी, आपके लिए बेहतर है। तो इसमें वो क्या करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लूज मोशन में क्या डॉक्टर ने कहते हैं, दलिया खाओ, ढीला खाना खाओ, बहुत ज्यादा पका हुआ खाना खाओ, जिससे वो आपके शरीर के अंदर आसानी से पच सके। चिकित्सीय पोषण नई विधि तकनीकों तथा अनुकूलक का उपयोग करके मरीज को पोषण प्रदान करता है। नई नई जानकारी, नई नई ज्ञान, इसे इनको यह पता चल पाता है कि इस बीमारी में रोगी को किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए। नई विधियों और तकनीक, मतलब नए नए मशीनों और अपडेटों के माध्यम से ये जो है मरीजों को पोषण प्रदान करते हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध करते हैं। पोषण विशेषज्ञ किसी व्यक्ति की डाइट बनाते समय उसके पोषण स्तर, आदतें, अलग अलग आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं ताकि सही पोषण दिया जा सके किसी भी व्यक्ति को। आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, जो व्यक्ति जिम जाता है, उसके जिम का एक डाइट चार्ट होता है, डाइट प्लान होता है, जो उसको बना के मिलता है कि आपको सुबह में 2 अंडे खाना है, फिर ग्रीन सलाद खाना है, फिर दूध पीना है, फिर शाम में हल्का रोटी खाना है, फिर रात को सोने समय गर्म पानी के साथ ये खाना है। तो ये क्या है, ये चार्ट है, ये डाइट प्लान है, जो इनके द्वारा उस व्यक्ति को देख के तैयार किया जाता है ताकि उसका जो भोजन है वो पोषण पूर्ण हो, मतलब उसके भोजन में संपूर्ण चीजें मौजूद हो जो एक व्यक्ति के शरीर के लिए आवश्यक होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। पोषण विशेषज्ञ की भूमिका, जो इस काम में महारथी हैं, जो पोषण विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं इसके, उनकी भूमिका क्या है? तो बीमारी की अवस्था में रोगी के स्वास्थ्य को बढ़ाना, जो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके शरीर को स्वस्थ करने के लिए वो जिस प्रकार की जानकारी देते हैं, उसे हम बीमारी की अवस्था से रोगी को आगे बढ़ना कहते हैं। कि वो बीमार तो है, लेकिन अब जिस प्रकार से विशेषज्ञ उसे खाने के लिए बोलेंगे, जो चीजें उनको सेवन करने के लिए बोलेंगे, उनके खाने से उसका स्वास्थ्य जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगा। रोगी की अवस्था के अनुसार परिवर्तन करना, रोग से पहले और बाद और फिर दौरान, रोगी की जो अवस्था है, जो बीमार व्यक्ति है, जो अभी बीमार चल रहा है, उसके भोजन में परिवर्तन करना, बीमारी से पहले, उस दौरान में और बाद में भी बता देते हैं कि आपको किस प्रकार के भोजन को खाने की आवश्यकता है ताकि आप सब जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे।
जो मरीज ऑपरेशन करवाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि चीर फाड़ हो जाता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मरीजों का ऑपरेशन होता है, तो उन्हें भी पोषण सेवा की जरूरत होती है। उन्हें कुछ समय के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ता है जो उस समय के लिए उचित माना जाता है। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो ऑपरेशन के बाद उन्हें मना कर दिया जाता है कि आप इन चीजों का सेवन न करें, क्योंकि ये आपके घाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। जीवन की प्रत्येक अवस्था में अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने का सुझाव देना, हमेशा वो आपको जो ये विशेषज्ञ होते हैं, जो पोषण विशेषज्ञ होते हैं, वो आपको अपने जीवन में हमेशा बताते रहेंगे कि आप किस समय में किस प्रकार के भोजन या पोषण का सेवन करें जो आपके स्वास्थ्य को ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करेगा। सलाह तथा आहार का मार्गदर्शन देना, किस प्रकार का भोजन, हरी सब्जी कब खानी है, दलिया कब खाना है, दूध कब खाना है, मांस मछली कब खाना है, अंडे कब खाना है, इस तमाम जानकारियों का मार्गदर्शन ये आपको देते हैं। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है आहार चिकित्सा क्या है, आहार चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भोजन में बदलाव करके उसे उचित पोषण दिया जाता है, जिससे भोजन की मात्रा, उसकी गुणवत्ता और तरलता में बदलाव दिया जाता है। आहार चिकित्सा क्या है, हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के भोजन को करते हैं, लेकिन यदि सही मात्रा में हमारा भोजन नहीं हमको मिल रहा है, या जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें उचित मात्रा में हमें कैल्शियम, प्रोटीन, वसा और जो भी उपयोगी चीजें हैं वो शरीर को प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें बदलाव, या कभी कभी ये भी होता है कि हम भोजन की मात्रा कम कर लेते हैं या फिर भोजन की मात्रा अधिक रखते हैं, तो इसके गुणवत्ता, तरलता और मात्रा में यदि बदलाव हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, आहार चिकित्सा के नाम से जानते हैं। आहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, क्या काम है आहार चिकित्सा का, तो रोगी की जरूरत को पूरा करने के लिए आहार की रूपरेखा बनाना, किसी भी बीमार व्यक्ति के शरीर को बेहतर बनाने के लिए, उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उसके भोजन का चार्ट बनाना, उसके भोजन में क्या क्या शामिल किया जाएगा वो बताना, किन किन चीजों को भोजन से हटा देना है ये बताना, आहार में बदलाव करना ताकि बीमारी को सही किया जा सके। भोजन जो हम लोग करते हैं कभी कभी उसमें बदलाव भी किया जाता है कि नहीं, अब आपको इस तरह के भोजन को नहीं करना, आपको दूसरे तरह के भोजन को करना है ताकि आप अपने आप को स्वस्थ बना सके। पोषण की कमी को सही करना, यदि भोजन में हमारे किसी भी पोषण तत्व की कमी है तो उसे भी आहार में बदलाव करके पूरा करना होता है। अवधि की बीमारी में अल्पकालिक दीर्घकालिक समस्याओं से बचाव, कई बार होता है कि लंबे समय या कम समय में चलने वाली बीमारी को भी सही किया जा सकता है अपने भोजन करके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके सेवन करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां सही हो जाती है। आहार के लिए सुझाव देना तथा अपनाने के लिए प्रेरित करना, आहार के अच्छे डाइट प्लान को आपको बताना और उसे कैसे ग्रहण करना है ये समझना और प्रेरित करना कि आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपकी बीमारियां सही हो जाएगी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आहारकी के अध्ययन से व्यक्ति को सक्षम बनाना, आहार की मतलब खान पान से किसी भी व्यक्ति को सक्षम बनाना, मजबूत बनाना, स्वस्थ बनाना। आहारकी का अध्ययन व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है, किन किन चीजों के लिए सक्षम बनाता है, पहला है जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों को पोषण आवश्यकता बताना। देखिए जीवन चक्र के विभिन्न स्तर, जीवन में कई बार आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आपको पोषण की आवश्यकता को बताना पड़ता है कि शरीर में कौन कौन से पोषण की आवश्यकता होती है, कौन कौन सा पोषण हम करेंगे जिससे हमारा शरीर बेहतर होगा, स्वस्थ होगा और हम किसी भी रोग से लड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे। मरीज की भौतिक दशा, रोजगार, जातीय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उपचार संबंधी नियम और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आहार में परिवर्तन करें। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें भोजन के रूप में पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर बता देता है कि आप इसका सेवन करें आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। कई चीजें ऐसी हैं जो आपको खाना पसंद नहीं आएगा, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपके पोषण से जुड़ी चीजों का आहार श्रृंखला में शामिल करना होता है ये भी आपको आहारकी के अध्ययन के अंदर ही आता है। यदि आप आहारकी के बारे में पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आपको भोजन से जुड़ी, पोषण से जुड़ी सभी जानकारी नॉलेज में आए। खिलाड़ियों के लिए जो खेल वगैरह करते हैं उनके लिए विशिष्ट परिस्थितियों में काम करने वाले आहार योजना बनाना, कुछ ऐसी स्थिति में जो खिलाड़ी क्या है कि बहुत खेल में बिजी रहते हैं उस समय में उनका जो डाइट प्लान होता है या डाइट चार्ट होता है, जो या उनके खाने की श्रृंखला होती है, जो पोषण उनके भोजन में शामिल किया जाता है वो अलग होता है, उसकी जानकारी भी आपको आहारकी के अध्ययन के अंतर्गत मिलेगा। विभिन्न प्रकार के सांस्थनिक परिवेशों जैसे विद्यालय, अनाथालयों, वृद्धाश्रम इत्यादि में आहार सेवाओं का प्रबंधन करना, छोटे बच्चे, जवान बच्चे,
बुजुर्ग बच्चे, ये सभी प्रकार के जो लोग हैं वो एक ही तरह के भोजन को नहीं करते, सबके भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ऐसे में इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो भोजन को तैयार किया जाता है या जो पोषण के चार्ट को तैयार किया जाता है वो भी आहारकी के अध्ययन के अंतर्गत आता है। दीर्घकालिक बीमारी जैसे मधुमेह हृदय रोगियों की जटिलताओं को रोकने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। खान पान से ना आप शरीर के अंदर होने वाले तमाम बीमारियों को सही कर सकते हैं। कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं है जो आपके भोजन से सही नहीं हो सकता, बस आपके खाने में बदलाव करना होगा। तो ऐसी कुछ बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, वो क्या है? मधुमेह है, चीनी का बीमारी आपने सुना होगा, अक्सर आपको सुनने को मिल जाता है कि शुगर का बीमारी, तो ये लंबे समय तक चलने वाला है। तो इसमें भी अगर आप भोजन में बदलाव करते हैं तो इस बीमारियों को भी सही किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। दिल का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, ये सभी बीमारियां जो है ये भी खान पान से सही किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल कार्यों में योगदान देना। कई बार ऐसे होते हैं ना कि ग्रुप जो होता है, जो समुदाय होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में सभी लोगों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखना होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या कहने का क्या मतलब है कि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी खान पान, उनका ऐसा स्वास्थ्य जिसमें किसी प्रकार का रोग ना हो, तो इन सभी चीजों का अध्ययन भी जो है वो आहारकी के अध्ययन से ही आपको समझना है, आहारकी के अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है पोषण मूल्यांकन क्या है। तो देखिए रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन कहने का क्या मतलब है कि उनकी जुड़ी हुई समस्याओं को देखना और समझना। कई बार अलग अलग बीमारी होती है, अलग अलग बीमारी, किसी के पास मधुमेह का बीमारी है, किसी के पास दिल का बीमारी है, तो इन दोनों को मूल्यांकन करना, या फिर कभी कभी ये होता है कि एक मधुमेह और दूसरा भी मधुमेह और दोनों में क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या दोनों में समान समस्या आ रही है या किसी के अंदर कम हो सकता है, किसी के अंदर ज्यादा हो सकता है। तो रोगी के पोषण स्थिति, खान पान की स्थिति और पोषण आवश्यकताओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता करना जरूरी होता है। यदि हम आहार में प्रकार की बात करते हैं तो आहार का प्रकार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? नियमित आहार, जिसे हम प्रतिदिन अपने भोजन में सेवन करते हैं, जैसे कि रोटी है, चावल है, दाल है, बहुत सारे लोग इसका सेवन प्रतिदिन किसी न किसी रूप में करते ही हैं। दूसरा है संशोधित आहार, जिसमें हम किसी प्रकार का बदलाव करके यदि हम भोजन करते हैं तो वो संशोधित आहार कहलाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, नियमित आहार को जान लेते हैं कि नियमित आहार क्या होता है। सभी भोजन समूह सम्मिलित होते हैं, सभी भोजन समूह सम्मिलित होते हैं एवं स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रतिदिन यदि रोटी, दाल, चावल, दूध, अंडा, मछली हम लेते हैं तो यही सोच के लेते हैं कि हमारे शरीर का जो पौष्टिक कमी है, जो पौष्टिक कमी के कारण होने वाले रोग है, वो इससे पूरा हो जाए। इसमें आवश्यकता पूरा हो जाता है जो हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, उसे हम नियमित आहार कहते हैं, जो नियमित आहार कहलाता है। संशोधित आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाता है। खान पान तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि अभी ना आपको कुछ भी केला नहीं खाना पड़ेगा क्योंकि आपके शरीर के लिए केला हानिकारक है, तो हम केला को खाना बंद कर देते हैं। और फिर डॉक्टर क्या बोलता है, इस समय ना आपको दो अंडा सुबह शाम लेना पड़ेगा, तो हम अंडा को जोड़ लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का चिकित्सीय इलाज है जो डॉक्टर के कहने के अनुसार हम अपने जीवन में जोड़ते और हटाते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? संशोधित आहार कहा जाएगा। आगे का स्लाइड हमारा कहता है भोजन की सघनता में परिवर्तन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि भोजन की सघनता में परिवर्तन क्या होता है। भोजन कई प्रकार से किया जाता है। पहला तो है तरल आहार, जिसमें लिक्विड डाइट आता है, जिसमें हम तरल पदार्थों का सेवन अपने भोजन में करते हैं। अर्ध तरल आहार, जो आधा तरल होता है, उसे हम सेमी लिक्विड डाइट कहते हैं, जिसमें आपको दलिया वगैरह को रख सकते हैं। कोमल आहार, बहुत ही कोमल सॉफ्ट आहार जो होता है वो भी है, और सामान्य आहार जो नॉर्मल डाइट है वो भी है। तो ये चार भोजन की सघनता के अंदर अगत आता है, तरल, अर्ध तरल, कोमल और सामान्य आहार। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, तरल आहार क्या होता है, लिक्विड डाइट जो है वो किसे कहते हैं। तो ऑपरेशन के तुरंत बाद, यदि आपके साथ चीरफाड़ होता है, आपके साथ कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन होता है, उसके तुरंत बाद तीव्र ज्वर में, बहुत ज्यादा बुखार में, वमन अथवा तीव्र अतिसार की स्थिति थोड़ी सुधरने तक रोगी को केवल पूर्णतः तरल आहार ही दिया जाता है। जब ऑपरेशन होता है व्यक्ति को ना, तो उस समय क्या होता है कि अगर हार्ड भोजन, मतलब कि ठोस आहार दिया जाए, तो उसे वोमिटिंग, अतिसार इत्यादियों के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है,
तरल आहार देना है व्यक्ति को तब तक जब तक कि वो पहले से थोड़ा सा कंडीशन उसका बढ़िया नहीं हो जाता है। इसके बाद क्या है, जैसे कि फटे दूध का पानी, नींबू पानी, उबली हुई सब्जियों का पानी, इसका यह लाभ है कि यदि ज्वरांत्र क्षेत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा है तो पोषक भली भांति अवशोषित हो जाते हैं। शरीर के अंदर यदि हम किसी भी प्रकार का भोजन लेते हैं तो वो सही तरीके से तभी तक पच पाएगा, अवशोषित हो पाएगा, जब ज्वरांत्र हमारा सही तरीके से, शरीर का पाचन शक्ति सही तरीके से काम करेगा तब, नहीं तो वो क्या होगा, हमें वोमिटिंग हो जाएगा, हमें अतिसार, लूज मोशन इत्यादि उस समय की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार के आहार देने की सलाह उन व्यक्तियों को दी जाती है जो सामान्य रूप से चबा या निगल नहीं सकते। अभी अभी जस्ट अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो यह क्या वो सही तरीके से भोजन को चबा पाएगा, नहीं चबा पाएगा, सही तरीके से भोजन को खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, इसीलिए उसे क्या दिया जाता है, तरल पदार्थ दिया जाता है कि चबाने की आवश्यकता ही ना हो और शरीर में कमजोरी भी ना हो, शरीर का जो ऊर्जा है वो बना रहे। हालांकि इसे केवल एक या दो दिन तक ही दिया जाता है, अगर ऑपरेशन वगैरह होता है या किसी प्रकार का कोई इलाज चल रहा तो उसे ऑपरेशन के एक दो दिन तीन दिन तक इसे दिया जाता है, बाकी फिर सामान्यतः नॉर्मल हो जाता है क्योंकि इससे रोगी की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी हो जाती है, नहीं पूरी नहीं हो पाती है। देखिए कितना भी तरल आप खा लें, कितना भी तरल पदार्थों का सेवन कर ले, क्या लगता है कि प्रतिदिन आपके तरल पदार्थों से आपका शरीर सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि तरल पदार्थ तो आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए है, लेकिन संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए तरल पदार्थ आवश्यकता नहीं है, आपको भोजन में अलग अलग वेराइटी को ऐड करना ही होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, अर्ध तरल आहार क्या है, मतलब सेमी लिक्विड डाइट क्या होता है, तो पाचन संबंधी रोग होने की स्थिति में यह आहार दिया जाता है। पाचन संबंधी अगर रोग हो रहा है, किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, जिसे पचने की शक्ति आपकी खराब हो रही है, कोई भी भोजन करते हैं वह सही तरीका से नहीं पच रहा है, तो उस स्थिति में आपको अर्ध तरल आहार दिया जाता है। लूज मोशन में आपको खिचड़ी दिया जाएगा खाने के लिए, लूज मोशन में आपको दलिया दिया जाएगा खाने के लिए, यह आहार दिया जाता है। इसे भी वाचन, इन्हें भी चबाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये तो अर्ध तरल ही होता है, मुंह में डाली और अपने आप चला जाएगा अंदर। अर्ध तरल आहार में रेशा व मसाले का प्रयोग नहीं होता, कोई भी रेशेदार चीज आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, कोई भी मसाला नहीं दिखाई देता है। उबली या मछली सब्जियों का गाढ़ा, सूख की हुई दाल, आधा उबला अंडा इत्यादि इस सब में आपको दिया जाता है। खिचड़ी में क्या होता है, दाल चावल ही होता है, वैसा ही कुछ आपको और भी अब उबाल के सूप दे दिया जाए, दाल दे दिया जाए, तो ये सभी क्या आएगा, अर्ध तरल आहार सेमी लिक्विड डाइट में आएगा। सेमी लिक्विड डाइट के बाद है कोमल आहार, सॉफ्ट डाइट क्या है, तो यह है यह आहार कब दिया जाता है व्यक्तियों को, किसी भी पुरुष को या किसी महिला को, किसी भी जंतु को, जब रोगी की स्थिति में कुछ सुधार होने लगता है, जब रोगी पहले से अब बेहतर होने लगे, पहले बहुत ज्यादा बीमार था, अब बेड से उठने लगा, खुद से बाथरूम जाने लगा, सही है, चबा लेता है, बोल लेता है, बात कर लेता है, तब जाके कोमल आहार सॉफ्ट डाइट से दिया जाता है। इसमें क्या होता है, उसका पाचन तंत्र ठोस आहार को पचाने में असमर्थ होता है, अभी वो अचानक से एक ही बार चिकन मटन मछली का हड्डी नहीं चबा सकता है क्योंकि वो हार्ड होता है, उसे सॉफ्ट आहार दिया जाता है। इस सॉफ्ट आहार में क्या आते हैं, उबले आलू, केला, सूजी का खीर इत्यादि, ये सब क्या है, सॉफ्ट डाइट है, कोमल भोजन है जो आसानी से हल्का चबाने से आपके शरीर में पच जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, सामान्य आहार के बारे में जान लेते हैं। रोगी की पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद सामान्य आहार दिया जाता है, सामान्य आहार वो भी होता है जिसमें ज्यादा तेल ना हो, जिसमें ज्यादा मसाला हो ना, क्रीम ना हो, ऐसा नहीं कि अब रोगी अभी ठीक होके आया है उसको भरपूर तेल मसाला खिलाना शुरू कर दीजिएगा तो रोगी बीमार हो जाएगा फिर से, तो ये सामान्य आहार में बिना तला, बिना मिर्च मसाले का भोजन होता है जिसे दिया जाता है। भोजन देने के तरीके के बारे में जान लीजिए, किन तरीकों से आप रोगियों को भोजन देते हैं। वैसे तो किसी भी रोगी को भोजन देने का सबसे उत्तम तरीका मुंह से भोजन खिलाना होता है, मुंह से ही भोजन करना सबसे उत्तम तरीका होता है किसी भी रोगी के लिए या किसी भी इंसान के लिए, तो मुंह से ही भोजन किया जाता है। परंतु कई बार ऐसी रोगी भी होते हैं जिनके लिए भोजन चबाना या निगलना संभव नहीं हो पाता, यदि बहुत ऐसी क्रिटिकल स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति भोजन चबा नहीं पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बेहोश या उसकी आहार नली में कोई समस्या होती है, तब ऐसे समस्याएं उत्पन्न होती है कि वो भोजन चबाने, मतलब ये इस नली में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो भोजन व्यक्ति चबा नहीं पाएगा, उसे निगल नहीं पाएगा, तो ऐसे में रोगी को भोजन देने के लिए कुछ विकल्प अपनाए जाते हैं, किसी अन्य तरीकों से उन्हें भोजन दिया जाता है। तो आइए हम उन तरीकों के बारे में जान लेते हैं। नली द्वारा भोजन ग्रहण कराना, नली द्वारा, इस नली द्वारा भोजन खिलाने से पोषणयुक्त संपूर्ण भोजन नली द्वारा रोगी को दिया जाता है, इस नली में पाइप लगा के डायरेक्ट भोजन उनको करवाया जाता है।
यह विधि जो है अंतःशिरा संवरण की अपेक्षा अधिक पसंद की जाती है। हालांकि यह विधि तभी अपनाई जाती है जब रोगी का ज्वरांत्र क्षेत्र मतलब जो चबाने वाला क्षेत्र है, कंठ वाला क्षेत्र है, वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तब जाके आप पाइप वाइप लगा के भोजन को नली से कैसे भी करके अंदर डाल दोगे ताकि उसका शरीर में ऊर्जा बना रहे। और व्यक्ति को जो कुछ नली के माध्यम से दिया जाता है वह उसे पचाकर अवशोषित कर पाने में सक्षम होता है, वो अपने नली से उसे अंदर ले लेता है और उसे पचाने में वो सक्षम हो जाता है। तो ये था नली द्वारा भोजन ग्रहण करने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं अंतःशिरा से भोजन देना। अंतःशिरा से आप कैसे भोजन देते हैं? अंतःशिरा संवरण विधि में रोगी के पोषण विशेष विलयनों के रूप में दिया जाता है जिसे रोगी की नसों में ड्रिप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि दवाई जब आपके पानी वानी चढ़ता है ना रोगी को तो उसमें दवाई मिला दिया जाता है, वो नसों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर चला जाता है। और इस तरह के तरीकों को क्या कहते हैं? अंतःशिरा से भोजन देना कहते हैं। मतलब उन्हें वो ऊर्जा दिया जाता है जिससे उनका शरीर। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है चरकालिका रोग। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चरकालिक रोग के उदाहरण में समझ लीजिए मोटापा है। मोटापा जो इंसान मोटा हो जाता है, कैंसर हो जाए, मधुमेह हो जाए, हृदय रोग हो जाए, अति तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस यदि दिमाग में आता है तो वो चरकालिक रोग के अंतर्गत आता है। चरकालिक रोग की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है? इसे रोकने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं बनाई जाती है? ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे भोजन जिनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। बहुत कुछ ऐसे भोजन है अभी के समय में जिनका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ता है। पिज्जा, बर्गर, चीज, ये सभी लोग खा के ना बीमार और मोटे होते जा रहे हैं। उनको दिल की बीमारियां होती जा रही है, उनको मधुमेह की बीमारियां होती जा रही है। इन खाद्य पदार्थों में रेशे की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम नहीं, होती ही नहीं है, रेशे की मात्रा नहीं होती है। पोटेशियम से परिपूर्ण फूलों, सब्जी, साबुत अनाज और दालों का प्रयोग भी बहुत कम हो गया है। पोटेशियम जो शरीर में ऊर्जा और स्वस्थ बनाने के लिए मजबूती प्रदान करता है, तो लोग आजकल ये जो पिज्जा बर्गर खाते हैं उसमें कहाँ होता है पोटेशियम? न रेशा होता है, न पोटेशियम होता है, न विटामिन होता है, न खनिज होता है, किसी भी प्रकार के जो पोषक तत्व है वो मौजूद ही नहीं होते हैं। भोजन में कैल्शियम की मात्रा भी बहुत कम होती है। जिस तरह से भोजन अभी बदलता जा रहा है उसमें कैल्शियम भी नहीं होता है, जिस कारण से ये सभी प्रकार के रोग इंसानों के शरीर के अंदर होता है। शारीरिक गतिविधियों का कम होना तथा बढ़ता तनाव भी इन बीमारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। ये सारी बीमारियां जो हैं वो घर में बैठे रहिए, टीवी देखते रहिए, पिज्जा बर्गर खाते रहिए, मोटाते रहिए, मोटा हो जाइएगा तो ये सारी बीमारियां आपके शरीर में हो जाएगा। शरीर की जो गतिविधियां हैं दौड़ने का, चलने का, एक्सरसाइज करने का, सुबह सुबह व्यायाम करने का, वो अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, जिस कारण से मोटापा, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग आदि अभी के समय में बढ़ते जा रहे हैं। पौष्टिक भोजन तथा अनुशासित जीवन शैली चिरकालिक रोगों को नियंत्रित करने और उनके प्रारंभ होने की अवस्था को विलंब कर सकता है। यदि आप अपने जीवन में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, सही तरीके से भोजन लेते हैं, सही तरीके से पानी लेते हैं, तो ये जितने भी रोग हैं वो आपके शरीर में जल्दी नहीं आएंगे, ये आप इनसे बचे हुए रहेंगे। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम था नैदानिक पोषण और आहार की। आज इसके इंपोर्टेंट नोट समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। हम आपसे फिर रूबरू होंगे होम साइंस क्लास 12 के चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।